हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ लकी माय लव सीरीज का दूसरा एपिसोड। यहाँ पर बेला अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है और कहती है, ओ गॉड, बहुत ही ज्यादा हार्ड डे था आज का, आई थिंक। एंड नाप्तो का नाम लेती है। तभी नाप्तो बेला के पास में आती है और बेला से कहती है कि वेल, तुम्हें एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। तभी बेला जो होती है वह नाप्तो की तरफ देखती है और देख कर कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, और ये तुम कैसे जानती हो कि मुझे इस तरह की कॉफ़ी पीना पसंद है। तो यहाँ पर नाप्तो कहती है कि मैंने तुम्हें कॉफ़ी पीते हुए कभी नहीं देखा, बट फिर भी मुझे लगा कि तुम्हें ये कॉफ़ी पसंद आएगी। और तुम ऑफिस में होती हो तो हॉट चॉकलेट वाली कॉफ़ी पीती हो। तो यहाँ पर जो बेला होती है वह कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे से जानती हो, वेल, मुझे कॉफ़ी से एलर्जी है और मैं जो हूँ ये कॉफ़ी नहीं पी सकती। तो नाप्तो कहती है, आई न्यू इट। और उसके बारे में जो नाप्तो है वह पूछती है कि तुम्हारा कैसा काम चल रहा है। तभी यहाँ पर बेला कहती है कि कुछ खास नहीं है और मैं काम को समझने की कोशिश कर रही हूँ। तभी नाप्तो बोलती है कि आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और उसके बाद में बेटर नॉट, ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं लेना चाहिए और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर बेला कहती है नाप्तो, और नाप्तो और बेला दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब होती हैं। तभी नाप्तो कहती है बेला, तो उसके बाद में तो नाप्तो है बेला से कहती है कि आई यू ओके। और यहाँ पर बेला कहती है कि कुछ नहीं यार, मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ, वेल आई थिंक वी शुड गो होम नाउ। और यहाँ पर बेला कहती है कि हमें बहुत देर हो गई, हमें घर जाना चाहिए और चलो अब हम घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो फिर उसके बाद में बेला जो होती है मन ही मन मुस्करा रही होती है और वह अपना लैपटॉप को रखती है, और नाप्तो भी अपनी फाइल और लैपटॉप को उठाकर दोनों लोग साथ साथ में चलने लगते हैं। यहाँ पर दोनों साथ में चलती हैं और ऑफिस से बाहर निकल जाती हैं। तभी नाप्तो और बेला दोनों गाड़ी में बैठी हैं और यहाँ पर बेला कहती है कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और तभी नाप्तो कहती है कि आई यू श्योर, डिड यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर बेला कहती है हाँ, यस। और उसके बाद में वह कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे कितने ज़्यादा आराम की ज़रूरत है और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। यहाँ पर नाप्तो कहती है कि सब लोग जानते हैं कि तुम कितना थकी हो। और यहाँ पर जो बेला है वह कहती है, यहाँ पर जो बेला होती है बहुत ही खुशी से उछल पड़ती है, और यहाँ पर जो बेला है वह कहती है कि इन दिनों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शांति के डेज हैं। और तभी नाप्तो कहती है, ओ रियली, आई विल ट्राई दिस नेक्स्ट टाइम। तभी बट आई थिंक आई एम लॉकी टूडे, नाप्तो कहती है कि मैं आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, एंड इट इज़ गुड बिकॉज वी हैव रिसीव द मेगा प्रोजेक्ट विच इज ग्रेट। यहाँ पर बेला कहती है कि हमें एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। तभी नाप्तो कहती है कि हाँ, कठिन तो है, मेहनत तो करनी है, लेकिन यहाँ पर नाइस टू गेट सम फनी एंड ओल्ड पीपल, ये बेला कहती है। और उसके बाद बेला कहती है कि आर यू मॉकिंग, एंड नाप्तो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तभी बेला कहती है कि वेल, नो वे, वैन इज नो वे कहाँ पे, और उसने मुझे कुछ गिफ्ट देने के लिए बोला था बट मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी नाप्तो और बेला दोनों हंसने लगती हैं और फिर वह कहती है कि मैं उसके लिए एक अच्छी सी शर्ट देखूंगी कल उसको गिफ्ट में देने के लिए। तभी नाप्तो कहती है कि हाँ, कल शनिवार है। तभी बेला कहती है, रियली, मैं भी यही सोच रही हूँ कि यू मस्ट रिमेम्बर टू बी वाइट और ब्राउन वन, एंड यू मस्ट कि तुम्हारे ऊपर सफ़ेद और ब्राउन कलर की बहुत ही अच्छी शर्ट लगती है, और रेड और ब्लैक भी। तभी नाप्तो कहती है ओके। नाप्तो कहती है कि हमें घर चलना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है हम तो। यहाँ पर बेला कहती है कि हाँ, हम लोगों को घर चलना चाहिए, काफ़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और यहाँ पर नाप्तो और बेला दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांधती हैं और दोनों हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए रवाना हो जाती है।
नेवतो और बेला दोनों गाड़ी में बैठी हुई होती हैं और बेला सो रही होती है, तो नेवतो बेला को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। और वहीं पर अचानक से जो नेवतो होती है वह अपनी गाड़ी को रोक लेती है और गाड़ी को रोककर वह बेला की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगती है, जैसे कि उसने उसे कभी भी इतना सुकून से सोते हुए ना देखा हो। यहीं पर जो नेवतो होती है वह अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट को खोलती है और उसको साइड से कर देती है और बेला सो रही होती है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता कि नेवतो क्या कर रही है। तभी नेवतो जो होती है वह बेला की भी सीट बेल्ट को बहुत ही प्यार से खोलने लगती है आराम से, कि बेला की नींद ना खुले। और जब वह बेला की सीट बेल्ट को खोल रही होती है तो उसे उसके पास होने का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। और जब वह उसकी बेल्ट को खोल रही होती है तभी बेला की आंख खुल जाती है और दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखने लगती हैं। और जो नेवतो होती है वह बेला के बहुत ही ज़्यादा करीब होती है और तभी दोनों एकदम से अलग हो जाती हैं। और यहाँ पर बेला कहती है कि हम पहुँच गए हैं, तो नेवतो कहती है हाँ हम घर पहुँच गए हैं। और बेला खुश होकर गाड़ी से निकलती है। तभी यहाँ पर बेला कहती है कि रुको नेवतो, क्या हम कल मिलेंगे? तो नेवतो बोलती है कि हाँ कल हम मिलेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर बेला कहती है कि मुझे तुमसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना है, कुछ जरूरी बात करनी है। और टेक इट इजी, आई वेलकम पिकिंग अप यू। तो यहाँ पर नेवतो गाड़ी से उतरती है और गाड़ी से उतरते वक्त वह बेला को गुड नाइट बोलती है और बेला उसको देखती रहती है। जब वह गाड़ी से उतर के जा रही होती है तभी दोनों नेवतो और बेला दोनों एक साथ ऑफिस पहुँचते हैं और यहीं पर दोनों थोड़ी देर के लिए रुकते हैं कि आगे उनकी क्या बात होगी। तब तभी नेवतो बोलती है कि बेला वाई आर बी हेयर, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? और उसने कहा कि आई थॉट हमें काम करने के लिए जाना चाहिए और हम काम करने के लिए आए। तो यहाँ पर बेला कहती है रियली, और डिडाइश से तो यहाँ पर जो नेवतो है वह कहती है हाँ। तो तभी बेला मुस्कुराती है और कहती है कि हम एक कैफे में आए हैं और ये बिल्कुल राइट साइड में है। और तभी बेला कहती है कि हाँ ये मुझे भी मालूम है कि हम एक कैफे में आए हैं। और बात करते करते बेला जो होती है वह नेवतो के सूज के फीते खुले हुए होते तो वह उन्हें बांधने लगती है। तो तभी बेला कहती है कि क्या कर रही हो तुम ये? और बेला उसको अपने सूज को बांधते हुए देखती है और मन ही मन बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराती है और उसे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी बेला नेवतो से कहती है कि लेट्स गो, अब हमें अंदर जाना चाहिए। और फिर ये कहते हुए दोनों हंसते मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती हैं और दोनों बिल्कुल पास पास में होती हैं। यहीं पर वह कैफे के अंदर जाती हैं तो कैफे में कॉफ़ी बनते हुए देखती हैं, कॉफ़ी बनाई जा रही होती है। तो दोनों लोग वहाँ पर आते हैं, एक साथ खड़े होते हैं और सारी चीज़ें देखती हैं। तभी कहते हैं कि वाह, स्मेल ऑफ कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है, बट मुझे कॉफ़ी से एलर्जी है। तभी मैं लगाते हैं कि इम्प्रेसिव, यू कैन रिमेंबर इट। और मैं कहती कि तुम्हें ये याद है कि मुझे एलर्जी है? तो मैं कहती कि क्या हम कोई डेजर्ट खा सकते हैं, जैसे कि कोई डार्क चॉकलेट, चिक केक या फिर कोई क्रोसिनेट? तो दोनों उन चीज़ों को देख रही होती हैं। और यहाँ पर वह कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो मेरे पास एक आइडिया है। और यहाँ पर जो नेवतो होती है वह डार्क चॉकलेट या फिर वह कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, डार्क चॉकलेट या फिर चीक केक, तुम्हें क्या पसंद है? तो वह कहती है कि हॉट कोका, यानी तभी वह कहती है कि श्योर। तो यहाँ पर वह कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये ऑर्डर कर देती हूँ और तुम जाओ पहले बैठो जाकर। तभी यहाँ पर जो बेला होती है वह कहती है ओके ठीक है मैं जाती हूँ, अंदर जाकर बैठती हूँ। और यहाँ पर नेवतो होती है वह कॉफ़ी लेने के लिए चली जाती है अपने लिए। और उसके बाद में वह
मन ही मन मुस्कुरा रही होती है और जो उसको पसंद है बिल्कुल हॉट चॉकलेट कॉफी उसके लिए लेकर आती है। तो जब वह लेकर आती है तो उसके बाद में वह उस कॉफी को वहां पे रख देती है और वो कहती है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। एंड यहाँ पर बेला कहती है कि मुझे ये पसंद है और यहाँ पर वह कहती है कि ये मैं मेरे लिए लाई हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें इससे एलर्जी है बट, तो वह कहती है कि सो क्यूट। उसके बाद में वह कहती है कि मी और कोका यानी कि मेरा कोका का तो दोस्तों ये अभी आधा पार्ट है, इसका आधा पार्ट रह गया है, वो मैं अगला वीडियो आपके लिए डालूंगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आगे का पार्ट जब भी मैं डालूं आपको उसका सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए खुश रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।